रघुबर सरकार एक बार फिर से CNT SPT संशोधन विधेयक पास कराना चाह रही है और इसी के लिए एक बार फिर आदिवासियों के कल्याण के लिए बनी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से पास कराने की जुगत में है ताकि कोई आदिवासी के अस्तित्व पर खतरा बताकर इस पर राजनीति न कर सके। इस बारे में जब BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी ये बिल TAC की अनुशंसा पर ही पास किया गया था और एक बार फिर से TAC को सुझाव के लिए भेजा गया है। सरकार और पहले भी ये CNT SPT जो एक्ट पारित हुआ था ये TAC के सुझाव पे और TAC के कहने पे ही हुआ था, TAC के से पास होने के बाद हुआ था। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी राज्य में ट्राइबल जनसंख्या से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की नीतियों को बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। खनिज संपदा से संपन्न होने के बावजूद प्रदेश विकास से कोसों दूर है, ऐसे में CNT SPT एक्ट में संशोधन कर सरकार प्रदेश में विकास को गति देने में लगी है और इसके लिए इस एक्ट का पास होना बहुत जरूरी है। पंजाब केसरी TV के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।